वेलकम बैक फ्रेंड बेस्टी यू में। और आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप अपनी शॉपिंग अपनी डेबिट कार्ड से करते हैं तो शायद आप दुनिया के सबसे बड़े इडियट हैं। दोस्तों, मुझसे कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि शरद, आप क्रेडिट कार्ड क्यों यूज़ करते हैं, आप इतना बड़ा रिस्क क्यों लेते हैं, क्रेडिट कार्ड तो बहुत ही डेंजरस चीज़ है, क्रेडिट कार्ड रखने से बैंक आपको लूट लेंगे, क्रेडिट कार्ड रखने से आपको बहुत मोटी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, क्रेडिट कार्ड रखने से आपको बहुत मोटा इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। ऐसी कई सारी बकवास चीज़ें लोग मुझसे कहते हैं, लेकिन मैं उनकी जरा भी नहीं सुनता। और मैं आपको भी ये सलाह दूंगा कि आप भी अगर शॉपिंग करते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड को ही यूज़ कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा पांच ऐसी वजह, अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपके लिए हमेशा फ़ायदे का ही सौदा रहता है। इफ़ यू आर यूजिंग क्रेडिट कार्ड देन यू आर बोरिंग मनी फॉर फ्री। दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अच्छे हैं और अपने ऊपर अच्छा सेल्फ डिसिप्लिन रखते हैं तो क्रेडिट कार्ड से अच्छी चीज़ आपके लिए हो ही नहीं सकती। अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल टाइमली भरते हैं तो इससे अच्छी चीज़ आपके लिए और कुछ नहीं हो सकती। आप क्रेडिट कार्ड कंपनी का मनी फ्री में यूज़ करते हैं, आप बैंक का मनी फ्री में यूज़ करते हैं और इसमें आपको कोई इंटरेस्ट चुकाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। वहीं अगर आप डेबिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो बैंक में जमा पैसा आपका खर्च हो जाता है, जबकि क्रेडिट कार्ड से दूसरे का पैसा आप यूटिलाइज अच्छे से कर लेते हैं। कुछ लोगों को ये हमेशा गलतफहमी रहती है कि अगर वो क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो उनको मोटी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो ऐसे इडियट्स लोगों को मैं कहूँगा, ऐसा नहीं होता है। पहले जाके आप फाइनेंशियली कुछ सीखिए। आप क्रेडिट कार्ड रखने से भिखारी नहीं बन जाएंगे, बल्कि आप दूसरे के पैसे को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। इफ़ यू आर यूजिंग क्रेडिट कार्ड देन यू आर बिल्डिंग योर क्रेडिट स्कोर। दोस्तों, अगर आप एक यंग एज से क्रेडिट कार्ड यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो आपको आगे चल के कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपका क्रेडिट स्कोर लगातार इम्प्रूव होता चला जाता है। मान लीजिए कुछ सालों बाद अगर आपको एक कार खरीदने की ज़रूरत पड़ी या फिर आपने फैमिली स्टार्ट करी है और आपको एक घर खरीदने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ऐसे में क्रेडिट स्कोर आपके बहुत काम आता है। आपके पास अच्छे खासे क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं और बैंक आपको आसानी से घर या कार खरीदने के लिए लोन भी दे देता है। जबकि अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव नहीं होता। ऐसे में फ़ायदे का सौदा क्या है, डेबिट कार्ड को यूज़ करना या फिर क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना? आप खुद ही समझदार हैं और आप समझ भी गए होंगे कि क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना कितना फ़ायदे का सौदा होता है। दोस्तों, बिजनेस में कैश हमेशा किंग होता है। आप बिजनेस में लॉन्ग टाइम बिना प्रॉफिट के तो काट सकते हैं, लेकिन बिना कैश के नहीं काट सकते। और ऐसे में आपका जो क्रेडिट कार्ड होता है वो आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करता है। मान लीजिए अगर आप अपने बिजनेस में एक बुरे दौर से निकल रहे हो, आपके पास कैश नहीं है, तो ऐसे में आपके क्या काम आएगा, आपका डेबिट कार्ड या फिर आपका क्रेडिट कार्ड? जी हाँ, आपके काम आएगा आपका क्रेडिट कार्ड, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में हमेशा आपको वो एक्स्ट्रा पीरियड मिल जाता है कि आप दूसरे के पैसे यानी किसी बैंक या फिर किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी के पैसे का बेहतरीन इस्तेमाल कर पाएं और अपने को मुसीबत से निकाल पाएं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल टाइमली पे करते रहिए, वरना ये आपके लिए आगे चल के मुसीबत साबित हो सकता है। इफ़ यू आर यूजिंग क्रेडिट कार्ड देन यू गेट रिवॉर्डेड। दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आप जब भी शॉपिंग करने जाएंगे तो आपको कई बार रिवॉर्ड्स पॉइंट्स मिलते हैं। यानी कि अगर आपने अपनी कार में पेट्रोल या डीजल भरवाया तो आपको 2% तक की छूट मिलती है, या फिर आपने कोई शर्ट खरीदी या फिर कुछ और चीज़ खरीदी तो आपको उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स ही मिलते हैं। ये डिपेंड करता है कि क्रेडिट कार्ड कंपनी का क्या ऑफर चल रहा है। दोस्तों, मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ और मुझे हमेशा क्रेडिट कार्ड से फ्लाइट की टिकट बाय करने में एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, या फिर अगर आपको लैपटॉप भी खरीदना होता है तो भी आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स तो मिलते ही मिलते हैं। इफ़ यू आर यूजिंग क्रेडिट कार्ड देन यू आर गेटिंग बेटर प्रोटेक्शन। दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि आपके सेविंग अकाउंट या पर्सनल अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं और अगर आप किसी शॉप में चले गए और आपने अपने डेबिट कार्ड से शॉपिंग कर ली और अगर आपका कार्ड किसी ने क्लोन कर लिया तो हो सकता है आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे रिस्क पे लग जाएं। लेकिन क्रेडिट कार्ड का एक अपना लिमिट होता है, कई बार 1 लाख, कई बार 1.5 लाख, कई बार 3 लाख या कई बार 5 लाख। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक क्रेडिट कंपनी से फ़ोन कॉल आया कि शरद, आपका कोई क्रेडिट कार्ड बॉम्बे में यूज़ कर रहा है। मैंने उसी टाइम अपने क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करा लिया और मैंने क्रेडिट कार्ड कंपनी का वो प्रूफ भी दिखा दिए, जिससे ये साबित हो गया कि वो क्रेडिट कार्ड मैंने ही नहीं बल्कि किसी और क्रिमिनल ने उसको यूज़ किया था और मुझे वापस मेरे पैसे मिल गए। लेकिन डेबिट कार्ड में क्या होता है, डेबिट कार्ड को अगर किसी ने क्लोन कर लिया तो हो सकता है आपका बहुत ज़्यादा मोटा पैसा कोई और यूटिलाइज कर ले और आपके पैसे आपको वापस मिल भी नहीं पाए।
कई सारी क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको इंश्योरेंस प्रोटेक्शन भी देती हैं। वो ये कहती हैं कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड का मिसयूज हुआ है या फिर किसी और ने आपके क्रेडिट कार्ड को क्लोन करके यूज़ कर लिया है तो आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं, और ये क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपको इंश्योर करती हैं कि आपका पैसा आपको वापस मिल जाए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हमारी ये प्रेजेंटेशन आपको जरूर पसंद आई होगी, और आप आगे भी हमसे और अच्छी जानकारियाँ सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को आज के आज सब्सक्राइब जरूर करें।